हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इन्फोसिस की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है सिस्टम्स इंजीनियर प्रोफाइल के लिए, जिसमें 90 20 21 22 वाले एलिजिबल होने वाले हैं। इंजीनियर बैकग्राउंड आपका भी बीटेक एमई एमटेक एमसी और एमएससी वाले भी एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस की जाएंगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन आए वीडियो रिलेटेड तो आपको मिल जाए। बहुत सारी वीडियो बना के हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है तो एक बार आप गो थ्रू हो सकते हो, आपको जो भी डाउट हो किसी भी कंपनी से रिलेटेड आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिस्टम इंजीनियर की अपॉर्चुनिटी इन्फोसिस की तरफ से आ चुकी है। तो एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो अपॉर्चुनिटी है जो मास हायरिंग होती है ये वो नहीं है। ठीक है, अप्लाई करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ना डायरेक्टली क्या बोलते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग ही निकली है, तो बाकी सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं जैसे होती है इनकी, कि इतने परसेंटेज चाहिए, ये वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हो सिस्टम इंजीनियर्स की है और इनका बीपीएम इन्फोसिस बीपीएम लिमिटेड लोकेशन पुणे है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें बिल्कुल शून्य है और एजुकेशन बैकग्राउंड आपका देख सकते हो बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और ये जो फोर ईयर कोर्स होगा टू ईयर कोर्स में आपका एमसीए और एमएससी वाले आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको ज़्यादा कुछ ये लोग पूछते नहीं है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो टेक्निकल स्टैंडर्ड डिलीवरी आपकी प्रेफर्ड स्किल है, उसके अलावा इंप्लीमेंट डिज़ाइन डेवलप वैलिडेट सपोर्ट एक्टिविटी इन लाइन पार्टिसिपेट इन नॉलेज मैनेजमेंट एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव, उसके अलावा रिक्वायरमेंट गैदरिंग ये थी आपकी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आपका यही सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई ज़रूर करना, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इन्फोसिस की तरफ से है। ठीक है, और अभी तो रिसेंट टाइम में तो जिनकी ज्वाइनिंग हुई उनको आ नहीं रही है, बाकी काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं इसका इस चीज़ का फ़ायदा क्या है जो पुराने वालों को अगर ये लोग ज्वाइनिंग ना दें। देखो ज्वाइनिंग तो होगी नहीं होगी ये तो इन्फोसिस जानती है, बाकी हायरिंग तो आती रहती है। ठीक है, एक हायर फायर चलता ही रहता है इसमें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई जरूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।